ये जैसे इसको आपने पुश किया तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, और आप साफ सुथरा कर दो और फिर उसको आप पुश कर दो। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इस बात को सार्थक किया डॉक्टर प्रदीप चांदे ने। डॉक्टर चांदे ने सफाई में सुविधा के इरादे से सीलिंग फैन में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन किए कि ये फैन सुसाइड प्रूफ भी बन जाएगा। फैन बनाने वाली कंपनी इस तकनीक को अपनाए तो पंखे से लटककर आत्महत्या के मामले बंद हो सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि ये पंखा इस तकनीक के साथ कैसे काम करता है और यदि कोई व्यक्ति फांसी लगाने की कोशिश करेगा तो पंखा कैसे नीचे आ जाएगा। तो ये जो पंखा लगा हुआ है, मैं थोड़ा बोल भी देता हूँ कि इसको यदि खराब हो जाता है, ये किचन में लगा रखा है अपन ने, तो इसको अपन ने नीचे ले आया यहाँ पे ऐसा, और इसका ये जो टेलीस्कोपिक वगैरह अरेंजमेंट है अपन ने GSITS में इसको बनाया है 3D प्रिंटिंग से। बाद में एक्चुअल में तो इतना बड़ा नहीं देखा गया, तो प्रोटोटाइप है, तो इसको अपन ने बनाया है। आप इसको साफ सुफ कर ले तो ये पंखा साफ करने की भी काम आ सकता है और लोगों की जिंदगी बचाने की भी काम आ सकता है, और ये बहुत खराब हो जाते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो साफ करने बाद में या मेंटेनेंस करने बाद में इसको आप फिर से ऐसा ऊपर चढ़ा दें तो इसका जो वो लॉक है वो फेल सेफ लॉक है, अब ये गिरेगा नहीं, इसको आप इसको चला भी सकते हैं। ये सिस्टम है। ये सर कितना वेट ले लेता है, ये कितने वेट के बाद में ये नीचे आएगा? ये आप सेट कर सकते हो, किलो का आता है। ये छोटा पंखा है, बड़ा डेढ़ आएगा, ये 1.5 किलो का होगा। तो इसमें तो और नीचे आने बाद में आपने जिंदगी बचा ली ऐसा मान। SGSITS के पूर्व डायरेक्टर व IIM इंदौर, MNIT भोपाल जैसी कई उच्च शिक्षण संस्थाओं में रह चुके डॉक्टर पी के चांद ने महज सफाई करने के इरादे से सीलिंग पंखे में कुछ मॉडिफिकेशन किए। उद्देश्य तो पंखे की सफाई करने का था, लेकिन इस मॉडिफिकेशन के बाद ऐसा पंखा तैयार हो गया जिस पर फांसी नहीं लग सकेगी। सुसाइड प्रूफ इस पंखे का फाइनल प्रोटोटाइप इनोवेशन सेंटर में लगी 3D प्रिंटिंग मशीन की मदद से तैयार किया गया है। ये पंखा 3 मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिक कपलर सिस्टम, ट्राई मॉड्यूलर लॉक और टेलीस्कोपिक पाइप के जरिए काम करता है। सर एक बहुत ही इनोवेटिव मेंशन किया है सर आपने, अपनी मेंशन के बारे में सर थोड़ा सा बताएं कि क्या खास बात है इस फैन की? ये क्या हर परिवार में समस्या रहती है कि पंखे लगे रहते हैं सालों साल, साफ नहीं हो पाते, फिर कभी कोई घर का व्यक्ति स्टूल पे ऊंचे स्टूल पे चढ़ के उसको साफ करने की कोशिश करता है। तो हमारे जान पहचान में 2-3 लोग ऐसे स्टूल से गिर गए, क्योंकि पंखे का काम और उसको संभालना सबकी आदत नहीं होती, तो उनके स्पाइन में इंजरी हो गई। तो लोगों ने कहा कि सर आप इतना साइंटिस्ट हैं, रिसर्च करते हैं, इंजीनियर हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि इस पंखे को अपन नीचे ला सकते हैं क्या। पंखे को साफ़ करने के और कई तरीके हैं, जो नीचे से साफ़ करने की कोशिश करते हैं उसे होता नहीं है। अभी आप देखेंगे पंखा इतना गंदा है, वो आप साफ़ नहीं कर सकते, तो जब तक उसको नीचे ना लाएं और कोई डिटर्जेंट या उसको लगा के साफ़ नहीं करें होता नहीं। तो हमने सोचा कि पंखे को नीचे लाया जाए। तो अब पंखे को नीचे लाना मतलब पंखे की सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि वो गिरना नहीं चाहिए। यदि ऐसा फ्लेक्सिबल बना दें और कभी वो गिर जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो कंपनी के ऊपर भी आ सकती है कि भाई आपने ये क्या गैजेट बनाया। तो वो गिरे नहीं, इसके लिए अपने को फेल सेफ एक लॉक बनाना पड़ता है। तो ये जब पंखा है हम जब ऊपर उसको ऊपर कर देते हैं, अभी तो इसके नीचे पोजीशन में है, अभी हमने इसको नीचे किया है, इसको जब हम ऊपर करते हैं तो ये ऊपर का लॉक इसका बंद हो जाता है। तो ये जब बंद हो जाए फिर ये गिरेगा नहीं, तो चलता रहेगा रेगुलर, आप इसको चला सकते हैं। और जब कभी आपको साफ़ करना हो तो उसको फिर आप नीचे से उसको पुश करिए, वो फिर इस लेवल पर आ जाएगा 5 फीट पर, आप साफ़ कर लीजिए। तो एक तो काम ये हो गया। दूसरा ये है कि अब जैसे आपने बात कही कि सुसाइड और आत्महत्याओं की बात आई है सामने, तो ये जो लॉक है ये इसको हम कहते हैं लोड डिपेंडेंट लॉक। तो यदि पंखे का लोड है 1 से 1.5 किलो 2 किलो होता है, तो इतने लोड में ये नीचे नहीं आएगा और गिरेगा नहीं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस पर लटक जाए तो उसका वजन 30-35 किलो तो होता ही है, तो कहाँ 1-2 किलो और 35 किलो। तो जब 35 किलो पर जाते तो लॉक खुल जाएगा, और लॉक खुल जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा, और ये टूटेगा नहीं मतलब, तो नीचे आ जाएगा और फिर आदमी उसको फिर से अपनी जगह पर लगा देगा, तो उसका रीयूज हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आदमी लटके नीचे गिर गया और सब खराब हो गया, ये बात नहीं। सुसाइड प्रूफ। बता दें कि इन दिनों मध्य प्रदेश में सुसाइड के मामले कुछ ज्यादा ही सामने आ रहे हैं, ऐसे में ये पंखा बहुत से मामलों में सुसाइड की घटनाओं में कमी ला सकता है। पंजाब केसरी TV के लिए इंदौर से गौरव कंचल की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।